समग्र शिक्षा सिद्धिपीठ तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल बगीचा 3 का 8वां पाठ चावल के दाने पृष्ठ संख्या 39 से लेकर 44 तक। पाठ 8 चावल के दाने पृष्ठ संख्या 40। तेनालीराम तेनाली के रहने वाले थे। वे बहुत चतुर और ज्ञानी व्यक्ति थे। यह घटना उन दिनों की है जब उनकी मुलाकात राजा कृष्ण देवराय से नहीं हुई थी। एक दिन वे राजा कृष्ण देवराय से मिलने उनकी राजधानी हम्पी पहुंचे। उन्होंने सुना था कि राजा ज्ञानी लोगों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। तेनालीराम हम्पी पहुंचे। उन्हें राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने उन्हें एक कविता सुनाने को कहा। तेनाली ने एक सुंदर कविता सुनाई। राजा को उनकी कविता पसंद आई। इनाम मांगने को कहा। उन्होंने कहा, महाराज क्षमा करें, मेरा आपसे केवल एक निवेदन है। राजा, कहो क्या निवेदन है? तेनालीराम राजा के सामने रखे शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दें और हर अगले खाने में पिछले खाने का दुगना रखते जाएं, तो मैं उसे ही अपना इनाम समझूंगा। पृष्ठ संख्या 41। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही चाहिए? सिर्फ चावल के दाने चाहिए, सोना नहीं? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। हाँ महाराज, तेनालीराम ने विनम्रता से कहा। तो ऐसा ही होगा, महाराज ने सेवक को आदेश दिया। सेवकों ने शतरंज की बिसात पर चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में एक दाना, दूसरे में दो दाने, तीसरे में चार दाने, चौथे में 8 दाने, पांचवे में 16 दाने। इसी तरह गिनती बढ़ती गई। 10वें खाने तक पहुंचने पर 512 दाने रखे गए और 20वें खाने तक पहुंचने पर 5,24,288 दाने रखे गए। इस प्रकार शतरंज की आधी बिसात यानी कि 32 खाने तक पहुंचने तक दोनों की संख्या 214 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच चुकी थी। यह दृश्य देखकर राज दरबार में सभी हैरान थे। अंत में यह स्थिति हो गई कि महाराज के पास अपना पूरा राज भंडार का अनाज ही तेनाली राम के हवाले करने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग ना रहा। तभी तेनाली ने उन्हें रोका और कहा, महाराज मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक महान विजय हासिल करने के लिए पहले कदम उठाना आवश्यक है।
मेरी हार्दिक कामना है कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए और अधिक विजय प्राप्त करें। यह सुनकर राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम से बहुत खुश हुए, जिसने उन्हें चावल के एक दाने से जीवन का महत्व समझा दिया था। उन्होंने तुरंत तेनाली को सम्मान के साथ अष्ट दिग्गजों में शामिल कर लिया।